हेलो एवरीवन, हेलो हेलो मैम। ऑल इन अवर न्यू क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपनी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टाइटल था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आउट 1000 ईयर्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे 1000 सालों के बीच में क्या क्या परिवर्तन आया। जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इसमें सबसे पहले तो मैप के थ्रू जाना था। दो मैप दिए हुए थे हमें, उसमें हमने जाना कि कैसे डिफरेंस आया। और उसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा था, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जो नए पुराने शब्द थे, जो पुराने शब्द थे वो किस तरह नए में कन्वर्ट हो गए, उनको अब किस वे में इस्तेमाल किया जाने लगा, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर जो हिस्टोरियन है हमारे, वो हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, वो सोर्सेज कैसे प्राप्त करते हैं, उन सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा था। ये आई होप सभी को समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है पिछली क्लास को लेके तो वो क्वेश्चन? यस बेटा, किसी को कोई डाउट है? फिर यस आज की क्लास स्टार्ट करें हम। मैम, यस मैम। ये तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें भी हम अब क्या पढ़ेंगे, जो चेंजेस है वो कैसे किन किन चीजों में आते गए। तो आज हमें पढ़ना है हमारे समाज में क्या चेंजेस आए थे, जो सोशल लाइफ थी और पॉलिटिकल लाइफ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, अब सोशल लाइफ तो आप सभी को पता है, जो हमारे आसपास की जो चीजें होती है ना, उन्हें सोशल कहते हैं। जैसे हम एक सोशल बींग है, ह्यूमन जो ह्यूमन बींग है वो एक सोशल बींग है, सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। हाँ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम अकेले जंगल में रह जाएं। हमें लोगों की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी वजह से। तो हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने आसपास के पड़ोसियों पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा, हमारी जो हमें चीजें चाहिए होती है ना, आसपास की दुकानें जो होती है, हम उनसे ही तो ले पाते हैं। वो भी एक तरीके से हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे हेल्पर है। तो हम एक सोशल बींग बन गए हैं। हमारे बिना समाज के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये पढ़ना है कि मेडिवल टाइम पे इन सोशल, ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप साइज में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, उससे अब क्या चेंज आया समाज में और वहां की पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम। फिर द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेडिवल हिस्ट्री में हमें 700 से लेके 750 तक के बीच की जितने भी चेंजेस हुए, हमें उनके बारे में पढ़ना है। 1750, 700 से लेके 1750, यानी कि 700 से लेके 1750 तक के बीच में, इन 1000 सालों में जो जो भी चेंजेस आए, हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 टू 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अक्यूर्ड ओवर द पीरियड। अब क्या हुआ, इन इस 1000 सालों में जो जो चेंजेस आए, उसके बारे में स्टडी करना किसी भी हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब क्यों चैलेंज है, क्योंकि हमने कुछ प्रॉब्लम कि पुराने वर्ड जो है वो नए वर्ड में कन्वर्ट हो गए, अब उनको नए वे में इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा, हमने ये भी पढ़ा था कि जो सोर्सेज वो लेते हैं, तो जो वो सोर्सेज पढ़ते हैं तो उन्हें काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, चाहे वो किसी स्क्रिप्ट को लेके हो, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो हमारे हिस्टोरियन है ना, उनके लिए हिस्ट्री को स्टडी करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब क्यों चैलेंज है, इसकी एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था 700 से लेके 1750 तक का, जिसमें बहुत सारे चेंजेस अचानक से आ गए थे। ठीक है, ये चेंज बड़े स्केल पे हुए थे और बहुत ज्यादा वैरायटी में हुए थे, बहुत बड़े पैमाने पर, और बहुत चीजों में चेंजेस आए थे। ठीक है, एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपियरेंस। अब अगर हम इस काल की बात करें ना, तो हर समय में जो परिवर्तन है वो आए जा रहे थे टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी क्या होता है, तकनीक, जो हम हाईली टेक्निक सीखते हैं ना, प्रौद्योगिकी, जिसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है उद्योगों में। तो अब जब हम नई चीजें सीखते हैं, जब हम मॉडर्न बनते जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, नई तकनीकों से। तो क्या हुआ, इस काल में
डिफरेंट मूवमेंट में जितने भी मूवमेंट आए हर पल में एक नया परिवर्तन आता गया। अब किन किन चीजों में परिवर्तन आया, पहला दिया है हमें लाइक द पर्सियन व्हील इरिगेशन, इरिगेशन का सिंचाई, जो खेती करते हैं तो सिंचाई करते हैं ना, तो सिंचाई के समय सिंचाई में पर्सियन व्हील का आविष्कार हुआ। अब किस पहले जो है, पहले तो इंसानों ने खेती करना सीखा था, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसने फसल उगाना सीखा था। अब जब फसल उगाई जाने लगी तो ज्यादा मात्रा में फसल उगाई जाने लगी तो सिंचाई की जरूरत पड़ी, तो अब मेडिवल टाइम पे जो सिंचाई है वो किसके थ्रू की जाने लगी, पर्सियन व्हील, जिसे कि ये पिक्चर भी है हमें नीचे, ये पर्सियन व्हील की पिक्चर है, ठीक है, ये पर्शियन व्हील है। क्या होता था ना, इसमें पहले पानी निकाला जाता था, इस पे ये व्हील जो है इस पे रस्सियां डाली जाती थी और इस ये जो व्हील है ना ये पानी खींचता हुआ चलता रहता था, ठीक है, इस व्हील पर से पानी ऐसे बहता हुआ चलता रहता था, तो इसको ना पुराने जमाने में रहट कहा जाता था, रहट, पर्शियन व्हील को क्या कहा जाता था, रहट। तो क्या हुआ, इसी मेडिवल टाइम पे पर्शियन व्हील आया जिसे सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट और क्या चीज आई, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, बुनाई करने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील आया, चरखा, गांधी जी को तो सभी ने देखा होगा चलाते हुए, तो गांधी जी के स्पिनिंग व्हील का, चरखे का, ठीक है। अब एक तो हमारा आ गया सिंचाई करने के लिए पर्शियन व्हील, सेकेंड क्या आया, स्पिनिंग व्हील, बुनाई करने के लिए, कपड़े की बुनाई करने के लिए क्या आया, स्पिनिंग व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बिट, बेटा ये जो कॉम्बिट है ना ये आपका वॉर का सिनोनिम है, वॉर की मीनिंग सभी जानते हैं ना, यस मुस्कान, वॉर की मीनिंग क्या होती है, वॉर, डब्ल्यू ए आर, वॉर, वॉर की मीनिंग क्या होती है, वॉर मीन्स युद्ध, युद्ध, तो जो आपका ये कॉम्बिट दिया हुआ है ना इसकी भी मीनिंग युद्ध है, मतलब कॉम्बिट का मतलब भी युद्ध होता है, लड़ाई। तो क्या हुआ, अब इन दोनों चीजों के साथ फायर आर्म्स भी आए, आपने देखा है वो बारूद वाले अस्त्र चलाए जाते थे जिन्हें की पुराने टाइम पे आग्नेय अस्त्र कहा जाता था, ठीक है, बारूद के गोले छोड़े जाते थे, तो इसका क्या नाम था, फायर आर्म्स। तो युद्ध में किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, बारूद वाले हथियारों का, फायर आर्म्स का। इसके अलावा और क्या चीजें आई, न्यू फूड एंड बीवर्स, नए खाने की चीजें आई, फूड आइटम्स एंड बीवर्स, बीवर्स होता है बेटा पेय पदार्थ, जो जो पीने लायक चीजें होती है ना उनको बीवर्स में रखा जाता है, तो जैसे चाय एंड कॉफी, ठीक है, बीवर्स अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट तो हम पढ़ रहे हैं, भारत सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इंडिया हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में ये इरिगेशन के लिए व्हील आया और स्पिनिंग व्हील आया बुनाई करने के लिए, वीविंग के लिए, और कॉम्बेट युद्ध में क्या आया, फायर आर्म्स। इसके अलावा नई खाने की चीजें भी आई, बीवरेज भी आया, और अब सब्जियां और कुछ फल ये सारी चीजें भी आई। तो सब्जियां कौन कौन सी आई थी मेडिवल टाइम पे, पोटैटो, कॉर्न, पीस, टी एंड कॉफी, ठीक है, आलू, मक्का, मिर्च और चाय और कॉफी, ये सारी चीजें मेडिवल टाइम पे आई थी। Remember that all these innovation, new technologies and crops come along with people. अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, all these innovation, ये सारे ही परिवर्तन, नई तकनीकें और नई फसल, तो ये अपने आप तो चलकर आई नहीं सारी चीजें। अगर हम कहें कि आलू अपने आप चल के आया हो, मक्का अपने आप चल के आया हो, तो ऐसा तो हुआ नहीं, उसको कोई पर्सन है जो लेके आया होगा। तो क्या हुआ था, जब ये चीजें आई ना तो इनके साथ साथ लोग भी आए, और लोगों के आने से क्या हुआ, लोग अपने साथ साथ काफी तरह की संस्कृति, उनकी जो रीति रिवाज थे वो भी लेके आए। अब कैसे लेके आए, क्या होता है ना, जब हमारे यहाँ कोई आता है हमें उसकी कोई आदत पसंद आती है, हैबिट अच्छी लगती है, तो हम उसको अपना लेते हैं। तो सेम ऐसा ही हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्टिनेंट पे हुआ, जब ये लोग बाहर से व्यापारी आए वो ये सामान लेकर के आए, आलू वगैरह लेके आए, आलू, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें बाहर से आई, हमारे देश में नहीं होती थी पहले। तो क्या हुआ, जो लोग इनसे लेके आए ना उनकी संस्कृति को, उनकी आदतों को यहाँ के लोगों ने अपना लिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो क्या हुआ, जो लोग आए थे वो यहाँ पर अपने विचार लेके आए थे, और इसी का परिणाम था कि यहाँ पर
ये जो काल है ना पूरा हमारा मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। ये इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से, सोशल एंड कल्चरल चेंज, तो इन लोगों के आने से हमारे देश में आर्थिक परिवर्तन हुआ यानी हमारा देश तरक्की करने लगा। इकोनॉमिक क्या होता है, मतलब फाइनेंशियली हम लोग जब डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल तो आप सभी जानते हैं, हमारी राजनीति जो होती है उसको पॉलिटिकल लाइफ कहा जाता है। तो पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंजेस हुए, हमारा यहाँ का समाज चेंज हुआ। दूसरा कल्चरल चेंज आया, कल्चरल यानी सांस्कृतिक परिवर्तन। हमने अपनी मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति थी ना उसको छोड़ा नहीं, उसमें कुछ चेंज कर लिए पुराने लोगों को, मतलब जो लोग यहाँ वहां से आए थे हमने हमने उनकी संस्कृति की कुछ बातों को अपना लिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस टाइम पे हमारा ये व्हील इरिगेशन व्हील डेवलप हुआ, स्पिनिंग व्हील डेवलप हुआ और फायर आर्म्स कॉम्बेट के रूप में, कॉम्बेट के लिए यूज किए जाने लगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि काफी सारी खाने की सामग्री, काफी पीने वाली चीजें आई और इनके साथ साथ जो लोग आए थे, जो इन्हें लेके आए थे, उनकी संस्कृति को, उनकी राजनीति, जो उनकी राजनीतिक शैली थी, उनकी आर्थिक शैली थी, वो सारी हमने अपना ली और हमारा समाज भी चेंज हो गया। तो ये जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है सभी को समझ आ गया। अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 and 7। अब जो हमारी ये बुक है ना, ये वाली हिस्ट्री की, इसके चैप्टर 5, 6 and 7 में हम यही पढ़ेंगे कि हमारा समाज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशल एंड कल्चरल रूप में कैसे चेंज हुआ, कौन से लोग थे, कहाँ से आए थे और हमारे समाज में क्या क्या चेंजेस हुआ, ये हम डिटेल में इन चैप्टर्स में जानेंगे। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस चैप्टर में केवल हमें ओवरव्यू दिया है, पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है हमें छोट मतलब ऐसे ही बता दिया शॉर्ट नोट में। चलिए अब यस, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइम पे क्या क्या चीजें थी जो आई, मतलब क्या क्या न्यूली चीजें थी जो हमारे मेडिवल टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई, कौन बताएगा इसका आंसर। जिस बेटा हैंड शो करना है, जिस जिसको भी आता है। क्या आपको नहीं आता? यस मैम। बताइए मैम। व्हील, यस, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स, यस गुड, एंड न्यू फूड्स एंड बेवरेज। मुस्कान आप बताइए बेटा। मैम व्हील फॉर इरिगेशन एंड स्पिनिंग एंड फायर आर्म्स फॉर वार फूड लाइक पोटैटो चिलीज एंड कॉर्न एंड बेवरेज लाइक टी एंड कॉफी। यस बेटा वेरी गुड। अब बेटा जिससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी अगर आपको आता हो ना, तो जो भी बच्चा बताना चाहता है वो अपना हैंड शो करेगा ऐसे सामने, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है yes, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। अब ये जो काल था ना, ये ग्रेट मोबिलिटी का काल था। मोबिलिटी मीनिंग क्या होती है, मोबिलिटी की गतिशीलता। लोग जो है वो एक जगह रुकते नहीं थे, जैसे आज के टाइम पे हम लोग एक जगह घर बना के रुक जाते हैं ना, पुराने टाइम पे लोग नहीं रुकते थे, वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अब हमारे माइंड में ये आ रहा होगा कि क्यों जाते थे वो एक जगह, क्यों नहीं रुकते थे। तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना बेटा, वो लोग जंगल साफ करके एक जगह बसते थे, वहां पर खेती करते थे थोड़ी बहुत, और खेती नहीं भी कर पाते थे तो जंगल से खाने पीने का इस्तेमाल, खाने पीने की चीजें ले लेते थे, और जब उन्हें लगता था कि अब यहाँ पर वो चीजें खत्म हो गई हैं तो वो वाला प्लेस छोड़ के दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये जो काल था ना, ये ग्रेट मोबिलिटी का काल था। और एक और वजह से इसे मोबिलिटी का काल कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि काफी सारी नई चीजें हमारे भारत में आई थी तो उन्हें हम नहीं गए थे लाने, जो बाहर से लोग आए थे ना उनका आना जाना भी लगा रहता था और नई नई चीजें हमारे इंडिया में आ रही थी, तो इसलिए इस काल को ग्रेट मोबिलिटी का, ग्रेट बहुत ज्यादा गतिशीलता का काल कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जो लोग है वो एक जगह से दूसरी जगह काफी लंबी लंबी दूरी तय करते थे, क्यों दूरी तय करते थे, ताकि उन्हें अवसर मिले, किस चीज का अवसर मिले, अपने आप को प्रूव करने का। जब हम अकेले रहते हैं तो क्या होता है ना, तो हम वहां कुछ कमा सकते हैं ना सीख सकते हैं, तो अगर हमें कुछ सीखना हो तो हमें ऐसी जगह जाना है जहां पर हम सीख पाए,
तो लोग अवसरों की तलाश में कि उन्हें किसी चीज का अवसर। यस बेटा, कौन पूछ रहा था? यस, तो जो लोग है ना वो अवसर की तलाश में कि उन्हें कोई मतलब ऐसा टाइम मिले कि वो कुछ सीख पाए या किसी को कुछ बता पाए, तो इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो लंबी लंबी दूरी तय करते थे। द सब कंटिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। अब क्या हुआ, जो ये सब कंटिनेंट है इसके पास अपार संपदा थी। इमेंस क्या होता है? अपार, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। इमेंस वेल्थ, वेल्थ क्या होता है? धन। तो अपार धन था एंड द पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं थी कि लोग कुछ नया सीख सके, ठीक है। जो हमारा भारत है ना, इस ये कहते हैं बहुत वेराइड प्रदेश है, बहुत विभिन्नता वाला देश है। हम हर एक एरिया में जाएं तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम थोड़ी थोड़ी दूर पे ही चले जाएं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, चाहे वो कल्चर को लेके हो, चाहे खाने पीने को लेके हो, चाहे वहां के ज्योग्राफी को लेके हो, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। तो जो हमारा ये सब कंटिनेंट है भारत, ये बहुत, इसके पास एक अपार संपदा थी, अपार धन था लोगों के लिए, ताकि वो हर जगह जाके कुछ ना कुछ सीख सके। लोगों के लिए संभावनाएं थी, टू कार्व अ फॉर्च्यून, उनके लिए अपना भाग्य रचना। कार्व क्या होता है? हम किसी चीज को जब ड्रॉ करते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? नक्काशी करना या बनाना। यहाँ पर कार्व क्यों किया गया है? कार्व दिया गया हमें यानी अपने भाग्य को बढ़ने के लिए। क्या होता है जब हम, जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यू, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, क्या होगा? हम आगे चल के अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, यानी अपने हमने अपना भाग्य बहुत अच्छा बना लिया। तो सेम यही यहाँ पर दिया चीज कि लोगों के लिए संभावनाएं थी ताकि वो अपने भाग्य को गढ़ सके, अपने भाग्य को अच्छा बना सके, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ पीपल वो बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। अब इस पूरे मेडिवल पीरियड में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ग्रुप आया, एक ऐसा समूह ग्रुप लोगों का जो इम्पोर्टेंट माना जाता था, जिन्हें राजपूत कहा जाता था, एक ग्रुप आया जो कि काफी इम्पोर्टेंट हुआ इस पूरे टाइम पे। क्या कहा जाता था उन्हें? राजपूत। अभी राजपूत कहाँ से लिया गया है? राजपूत नाम, ए नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्रा। तो ये इस नाम का जो मीनिंग बनती है ना, वो क्या बनती है? राजा का बेटा। राजपुत्र यानी राजा का बेटा, द सन ऑफ अ रूलर, किसी भी राजा का बेटा। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या राजपूत उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग होता था जो किसी राजा के बेटे थे। हम अभी आगे पढ़ते हैं उसको। तो राजपूत की मीनिंग भी हमें किसी रूलर का बेटा, किसी राजा का बेटा। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वो क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो ऐसा नहीं है, ये केवल राजा के लड़के के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? 8th से लेके 14th सेंचुरी तक, यानी 8वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक, यानी 800 से लेके 1400 का एरा चल रहा था जब तक। तो ये राजपुत्र उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो बहुत बड़े योद्धा होते थे, योद्धाओं के समूह के लिए, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। तो योद्धाओं के समूह के लिए राजपुत्र प्रयोग किया जाता था। अब इनमें क्या क्वालिटी होती थी? वो क्लेम्ड, जो कि दावा करते थे क्षत्रिय कास्ट के होने का, जो कि ये दावा करते थे कि हम क्षत्रिय वर्ण के हैं। इन वर्णों के बारे में हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि हमारा समाज 4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हम पढ़ चुके हैं ना बेटा। हाँ, तो ये राजपूत किसे कहा जाता था? जो लोग दावा करते थे कि हम क्षत्रिय वंश के हैं, ठीक है। इसके अलावा द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड चीफ टेन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स वो सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्च ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। तो अब मैंने आपको बताया था कि केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल राजा के बेटे के लिए प्रयोग किया जाता था, ये उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ऐसा मानते थे कि हम क्षत्रिय कास्ट के हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये केवल राजाओं के लिए नहीं, और चीफटेन क्या होता है? सामंत। काफी सारे जमीन पर जब किसी एक आदमी का अधिकार होता है ना, तो पुराने टाइम पे उसे क्या कहा जाता था? चीफटेन, सामंत, जिसके पास काफी सारी जमीन होती थी और वो छोटे छोटे किसानों से अपनी जमीन पर खेती करवाते थे। तो राजपूत किन्हें कहा जाता था? एक तो हमने पढ़ लिया जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे उन्हें, और दूसरा
soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. तो राजपूत उन्हें भी कहा जाता था जो इस कॉन्टिनेंट में किसी ना किसी बड़े राजा की सेवा में सैनिक बने हुए थे. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक राजा है, बेटा ये कौन ड्रॉ कर रहा है, एक कोई राजा है जिसके पास जिसने सैनिक रखे हुए हैं, उसकी आर्मी है, तो उसकी आर्मी में जितने भी सैनिक है ना उन्हें भी राजपूत कहा जाता था. अब उन्हें राजपूत क्यों कहा जाता था, क्योंकि सैनिक भी तो योद्धा ही होता है ना, वो भी तो लड़ाई ही करता है, इसलिए उसे भी पुराने टाइम पे क्या कहा जाता था, राजपूत. तो हमने अभी जो पढ़ा, राजपूत किसे किसे कहा जाता था, सबसे पहले तो उन लोगों को जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे, जो लोग बोलते थे कि हम क्षत्रिय कास्ट के हैं. दूसरा किसे कहा जाता था, सिपाहियों को और कमांडर्स को. कमांडर्स कौन होते हैं, आदेश देने वाले, जो किसी सेना का हेड होता है, जिसको सेना नायक कहा जाता है. तो इन्हें कहा जाता था जो कि हमारे इस कंटिनेंट पे भारत में किसी ना किसी की सेवा में लगे हुए थे. ठीक है, यहाँ पर एक मीनिंग आई है मोनार्च. मोनार्च मीन्स होता है प्रजातंत्र, सॉरी राजतंत्र, जहां पर किसी राजा का सैनिक होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्च. राजतंत्र प्रणाली को मोनार्च भी कहा जाता है. ये इतना समझ आ गया सभी को? चलिए अब क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं पहले. जो राजपूत हैं ये किन्हें कहा जाता था मेडिवल पीरियड में, कौन कौन बताएगा इसका आंसर? यस बेटा हैंड शो करिए जिस जिसको इसका आंसर आता है. यस प्राची आप बताइए बेटा. एंड क्षत्रिय, सोल्जर एंड कमांडर. यस महिमा आप बताइए, राजपूत किसे कहा जाता था? कमांडर एंड सोल्जर एंड कमांडर एंड क्षत्रिय. यस बेटा वेरी गुड. श्रेया आप बताइए. एंड क्षत्रिय, कमांडर एंड सोल्जर्स. ओके यस. मुस्कान आप बताइए बेटा. यस मुस्कान, राजपूत किन्हें कहा जाता था मेडिवल पीरियड में? मैम क्षत्रिय एंड रूलर, द सन ऑफ किंग्स, चीफ्स एंड कमांडर्स हु सर्व इन आर्मी. यस बेटा वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छा बताया. और ऐसे ही ध्यान से सुनना है तो आपको चैप्टर ना दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी तरह याद हो जाएगा. चले अब हम आगे बढ़ते हैं. फिर इस शिवालिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स. अब जो ये हमारा पैराग्राफ है ना, ये सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड आए हैं जिनकी मीनिंग याद होनी चाहिए. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है शिवालिक. शिवालिक का मीनिंग होती है बेटा किसी आदमी, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिसके अंदर बहुत साहस होता है. जैसे आप सभी ने बाहुबली अगर मूवी देखी हो ना, तो उसमें बाहुबली को हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था. हमें क्या लगता है ना कि अगर ऐसी लड़ाई हो, बाहुबली आ जाता तो बिल्कुल सबको हरा देता, ऐसा ही लगता है ना, ऐसी फीलिंग आती है उसके बारे में. तो जो शिवालिक है ये पूरा आपको दिया है, शिवालिक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी शिवालिक की मीनिंग क्या होती है, एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, यानी ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सट्रीम वैलर हो, बहुत ज्यादा साहस हो, एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, और समझदारी भी बहुत ज्यादा हो. ठीक है, अब हम ये सोच रहे होंगे कि प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, कौन है जो बहुत ज्यादा साहसी है, बहुत समझदार है, ऐसा कौन था मेडिवल पीरियड में? तो ये जो क्वालिटी थी, वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू राजपूत, ये क्वालिटी राजपूतों को दी गई थी. ठीक है, ये क्वालिटी किसको समर्पित की गई थी, राजपूतों को. अब किसने बोला था उन्हें, किसने बताया था कि वो बहुत साहसी हैं, बहुत पराक्रमी हैं, बहुत समझदार हैं, किसने बताया था? पोएट्स ने, पोएट एंड बार्ड्स. तो उस समय के जो पोएट्स थे, एंड बार्ड होता है बेटा आपने सुना होगा, काफी लोग तो कविताएं लिखते हैं और कुछ लोग शायरी लिखते हैं, तो जो लोग शायरी लिखते हैं ना उन्हें बार्ड्स कहा जाता है. पोएट मीन्स होता है कवि,
एंड बार्ड्स मीन्स होता है शायर, ठीक है। तो उस समय के जो पोइट्स थे एंड बार्ड्स थे, उन्होंने राजपूतों की इतनी बढ़िया क्वालिटी बताई है कि जो राजपूत हैं वो बहुत साहसी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और उनके पराक्रम की कोई सीमा ही नहीं होती, बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं राजपूत, ठीक है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ, ए कास्ट ऑफ ट्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। अब जो ये अहोम और कायस्थ है ना, इनके बारे में हमें क्या बताया है, एक ऐसी जाति जो स्क्राइब होती है। स्क्राइब के बारे में हमने इसी चैप्टर में पिछले वाले पैराग्राफ में बताया था, स्क्राइब कौन होता है, जो किसी चीज की नकल करता है, ठीक है, जिसको हम लिपिक बोलते हैं। एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की मीनिंग कौन बताएगा, ये तो हम आज के समय में हमेशा सुनते हैं, सेक्रेटरी क्या होती है, इसकी मीनिंग कौन बताएगा? यस बेटा महिमा बताइए। मैं सहायक। सहायक गौरव आप बताइए। श्रेया आप बताओ। मैं सहायक। सहायक सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, सहायक तो है ये सचिव, जिसको हम अपने अधिकार देते हैं, जैसे सेक्रेटरी रखा जाता है ना, तो कि वो इसलिए ताकि वो हमारे सारे काम सुलझा सके, संभाल सके। और पुराने समय में इन्हें पता है क्या कहा जाता था, मुंशी। सेक्रेटरी मींस पुराने टाइम पे, मेडिवल टाइम पे क्या होता था, मुंशी। अब अगर आप आज के टाइम पे भी कहीं सुने तो कोई कोई जो है मुंशी मुंशी कह के बुलाता है, ठीक है। आज हम मॉडर्न हो गए इसलिए हम सेक्रेटरी कहते हैं, बाकी पुराने टाइम पे क्या कहा जाता था, मुंशी। तो ये जो अहोम एंड कायस्थ है, ये एक ऐसी जाति थी जिस जाति के लोग लिपिक होते थे, किसी चीज की नकल करने वाले, एंड मुंशी के पद पर होते थे, ठीक है। एल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। अब हमें क्या बताया है कि राजपूत तो हम पढ़ ही रहे थे, जो राजपूत थे वो ग्रेट योद्धा थे, ग्रेट वॉरियर थे, लेकिन जो ये जातियां दी है ना हमें नीचे, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये लोग भी अवसर का लाभ उठा के पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट होते गए, मतलब राजनीतिक रूप से ये लोग भी पावरफुल हो गए। और आगे आने वाले टाइम में हम क्या पढ़ेंगे कि इनमें से भी कुछ जो वर्ण थे, कुछ जाति के लोग राजा बन गए, ठीक है। तो ये जो लोग थे ना, ये जातियां थी, मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ, इन्होंने भी अवसर का लाभ उठाया, और ये लोग भी, इन्होंने भी बहुत सारे इलाके को अपने अंडर कर लिया, ये बहुत सारे इलाकों के राजा बन गए, ठीक है। ये पैराग्राफ सभी को समझ आ गया? चलिए अब क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। राजपूत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? राजपूतों के लिए बताया है, ग्रेट वॉरियर एंड योद्धा, तो ये किसने प्रयोग किया था और क्यों प्रयोग किया था, यस कौन बताएगा? यस बेटा किस किस को आता है इसका आंसर, हैंड शो करिए अपने। राजपूत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था और किसने किया था? यस श्रेया आप बताइए। पोएट एंड बार्ड्स लिए किया था, किन लोगों के लिए किया था और क्या कह के पुकारा था? जो लोग बहुत पावरफुल होते थे उनके लिए। यस जो लोग बहुत पावरफुल होते थे उन्हें कहा था कि वो बहुत साहसी हैं, और इसीलिए उन्हें एट्रीब्यूट किया था, उनको संधि दी थी, संज्ञा दी थी कि वो बहुत ही पराक्रमी राजा हैं। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, हमारा ये जो ये पैराग्राफ एंड आज लास्ट का पैराग्राफ यही है, इसे रीड करते हैं। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इस काल में एक और चीज थी जो हो रही थी बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या हो रहा था? ग्रेजुअल क्लियरिंग, बहुत बड़ी मात्रा में सफाई हो रही थी। किसकी सफाई? घरों की नहीं, ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जंगलों की सफाई हो रही थी। लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल काट रहे थे। क्यों काट रहे थे? क्योंकि यहाँ जंगल क्यों काटने पड़ रहे थे? एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को फैलाने के लिए। क्या हुआ था, पहले के टाइम पे लोग कम होते थे तो कृषि भी कम होती थी, अब लोग ज्यादा बढ़ने लगे, समाज बढ़ने लगा, बाहर से भी लोग आने लगे, तो अब इसलिए क्या किया जाने लगा, जंगलों को साफ करके कृषि को बढ़ाया जाने लगा, ठीक है।
एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो दायरा था, खेती का दायरा था, वो बढ़ा दिया गया. इट चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स. अब ये जो परिवर्तन है ना, ये हर एरिया में हो रहे थे, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम. चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. अब क्या हुआ, जंगलों की सफाई की जाने लगी, तो इसलिए जो जंगल के निवासी थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, इनका आवास छिन गया, इन्हें माइग्रेट होना पड़ा. माइग्रेट क्या होता है, स्थानांतरण, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा. ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर थे, इन्हें एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि जंगल साफ होने से अब ये जो चीजें जंगल से ले लेते थे वो इन्हें अब नहीं मिल पाती, इसलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए. अब इसके अलावा अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट. अब सारे लोग नहीं भागे जंगल वाले, कुछ भाग गए और कुछ ने क्या किया, कुछ ने वहीं पर टिलिंग यानी जुताई करना शुरू कर दिया, जमीन की जुताई की, एंड बिकम पीजेंट, जमीन की जुताई करी और किसान बन गए यानी खेती करना शुरू कर दिया. दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिकम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट चीफ मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. अब क्या हुआ, जब जंगलों को सफाया किया जाने लगा, खेती की जाने लगी, तो आसपास का जो एरिया है ना, वहां पर लोग भी बसने लगे और आके. अब ये जो नए किसान बने थे, ये प्रभावित किए जाते थे, किससे प्रभावित होते थे, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित, तो ये किससे प्रभावित होते थे, रीजनल मार्केट जो वहां का क्षेत्रीय बाजार होता था उससे. चीफ टेन्स यानी सामंत, मैंने आपको बताया था अभी, ट्रस्ट यानी पुजारी, मॉनेस्ट्रीज यानी मठ, एंड टेम्पल्स यानी मंदिर. तो जब लोग बसने लगे तो यहाँ पर बाजार भी लगने लगे, मंदिर भी बनाए गए, मठ भी बनाए गए, और जो किसान था, जो नया किसान बना था, वो इन सब चीजों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था. ठीक है, मतलब वो बाजार भी जाता था, मंदिर भी जाता था, मठ भी जाता था. ठीक है, तो ये नया चेंज आया. इसके अलावा और क्या चेंज हुआ, दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. अब जो ये किसान था ना, जो नया किसान बना था, जो कि पहले अकेले रहता था, अब ये किसका पार्ट बन गया, लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, एक बहुत बड़े जटिल से समाज का. कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का मतलब बहुत बड़ा समाज, जिसमें ये ना बताओ कि लोग कहाँ कहाँ बसे हैं. ठीक है, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स. अब क्या हुआ, जो ये नए किसान बने थे ना, इन्हें आज की ही तरह टैक्स पे करना होता था. उस समय भी टैक्स लगाया जाता था, जिस किसान के पास जितनी जमीन होती थी उसे उसकी अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता था. दूसरा और क्या होने लगा, ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स. अब कुछ किसान ऐसे भी थे जो गरीब थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, जो लोग जमीन नहीं बना पाए अपनी, तो वो क्या करते थे, वो बड़े किसान के पास, जिसके पास जमीन होती थी, उसकी जमीन पर खेती करते थे. ठीक है, उसकी जमीन पर खेती करते थे, या कभी कभी जो छोटे किसान थे, जिनके पास छोटी जमीन होती थी ना, वो बड़े किसान के पास सामान लेके जाते थे कि हमें बदले में वो कुछ और दे दे. तो अब क्या होने लगा, टैक्स भी पे होने लगा, और दूसरा सामानों को भी लोकल लॉर्ड, जो वहां के जो मालिक होते थे, जमीनों के जो अस्थाई मालिक होते थे, उन्हें दिया जाने लगा. और इसका परिणाम क्या हुआ, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज अमॉन्ग पीजेंट. अब इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में किसानों के बीच में ही परिवर्तन हो गया. जो किसानों का जो लेवल था ना, कुछ बड़े किसान, कुछ छोटे किसान, कुछ बहुत ज्यादा बड़े किसान, ऐसा बन गया हमारा समाज. किसानों के बीच में इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस, कुछ लोग आर्थिक रूप से अच्छे थे, कुछ कमजोर थे, एंड कुछ इकोनॉमिकली डाउन थे, कुछ जो है वो सोशली बैकवर्ड थे, कुछ सोशली अपग्रेडेड थे. अब हम ये आगे बढ़ेंगे. सम पोजेस्ट मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, उनकी जमीन पर बहुत अच्छी खेती होती थी. अब अदर एल्सो केप्ट कैटल, कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने कैटल करना यानी जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया. एंड सम कम्बाइंड आर्टिजनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने खेती करने के साथ साथ आर्टिजनल वर्क शुरू कर दिया. आर्टिजनल मतलब हाथों से किया जाने वाला कुछ काम, जैसे पुराने टाइम के अगर हम एग्जाम्पल ले लें, टोकरियां बनाई जाती थी हाथों से, या कुछ मैट वगैरह बिछाने के लिए चटाई वगैरह बिछाई जाती थी. तो कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने खेती के साथ साथ हाथों से काम करना भी शुरू कर दिया. अब वो ऐसा कब करते थे, ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब खाली समय होता था ना, उस समय वो ये काम करते थे, खेती के साथ साथ जानवरों को भी पालते थे और आर्टिजनल वर्क करते थे.
हाथ से किया जाने वाला काम. एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंटिएटेड, तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो समाज था ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंटिएटेड हो गया, बहुत ज्यादा अंतर आने लगा उसमें. पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. अब जो हमारा समाज है वो जाति में और उपजाति में विभाजित है. समाज में जाति और उपजाति में विभाजित. अब ऐसा क्यों होता था, बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर ऑक्यूपेशन. तो ऐसा क्यों होता था, उनके बैकग्राउंड यानी वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड उनके ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है. ठीक है, अब क्या होता था, जो लोग हैंडवर्क करते थे उन लोगों की इनकम थोड़ी कम होती थी, जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी उनके पास ऑब्वियस सी बात है कि जो जमीन मतलब जो पैदावार है उपज है वो अच्छी होती थी. ठीक है, रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली. अब ये जो रैंक थी ना ये फिक्स नहीं थी, ऐसा नहीं है कि जो एक कास्ट में जो पैदा हुआ है जिसके मम्मी पापा दस्तकारी का काम करते थे तो बच्चे भी वही करते हो, ऐसा नहीं है. उनके जो बच्चे हैं ऐसा हो सकता है कि वो काफी ज्यादा वीर हो, उसने लड़ाई करके बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया हो. तो ये जो चीजें है ना ये परमानेंटली नहीं होती थी, ये बदलती रहती थी. वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सिस कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया. अब ऐसा नहीं है कि एक जाति के जो लोग इस समुदाय में गरीब हैं वो दूसरे वाले ग्रुप में भी गरीब ही होंगे, ये चेंज होता रहता था. हो सकता है कि दूसरे ग्रुप में जो क्षत्रिय जाति हो वो गरीब हो और कोई दूसरी नीची जाति अमीर हो. तो ये जो जाति वाला जो पैटर्न है ना ये हर ग्रुप में एक जैसा सेम नहीं था, अलग अलग था. चलिए बेटा हम आज केवल इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है. अब हम जो बाकी का बचा है ना इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? यस बेटा, किसी को कोई डाउट? सबको समझ आ गया हमने जितना पढ़ा आज? चलिए ठीक है फिर, हम अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पैराग्राफ रह गया था थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम न्यू पैराग्राफ भी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में. यस मैम. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय मैम. गुड बाय.